स्त्री के रूप में ताड़ का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापिनी का सहार कर दो प्रातःकाल स्नान संध्योपासनादि कार्यों से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुँचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ दो सुकुमार बालकों को देखा तथा उनका परिचय प्राप्त कर वे एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलन की आतुरता में कलकलनाथ के साथ दौड़ती जा रही उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा भयंकर है। सभी ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंघाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सूर, भालू, वन भैंसे आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते दृष्टिगत हो रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन न होकर मलदा और करूप नाम के दो बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, विथिकाओं तथा सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में हजार हाथियों के बराबर बल है और वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मार कर खा डाला। अब उनके भय से यहाँ दो दो कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी दिखाई नहीं देती। भूलवश यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो जीवित नहीं लौट पाता। उसी ताड़का का सहार करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियाँ तो कोमल और दुर्बल होती है, फिर ताड़का में हजार हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था। आता संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में हजार हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया है। आता है राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता।
अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापिनी का सहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रख कर उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींच कर भयंकर टंकार किया। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुष ताने राम को देखते ही इस विचार से कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उन पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना कुरूप है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि यह बड़ी हिंसक है और निरीह प्राणियों की हत्या करके उनका रक्तपान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देहधारिणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए द्रुतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्षस्थल से गर्म गर्म रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इससे पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निवृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े।